इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैपकट में अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हो। अगर उसमें कोई जर क्या या मूवमेंट थोड़ी शेकी है तो उसको प्रॉपर स्मूथ स्टेबलाइज कैसे कर। इसके लिए हमें एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी जिसे हमने स्टेबलाइज करना है, तो वो वीडियो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर मैं आ गया हूँ और आया मैं किधर हूँ, एमिरेट्स पैलेस में। इधर मैं एक हाइपरलैप्स वीडियो लूंगा हैंड हेल्ड, तो उसमें शेक काफी ज्यादा आ जाएगा। तो हाइपरलैप्स जब भी हम लेते हैं तो कोई ऐसी चीज होती है जिसको आपने ट्रैक करना होता है। तो मैं ये अपना जो ये जो गुंबद है, इस गुंबद का ये जो ऊपर वाला किनारा है, इसको बिल्कुल इस कॉर्नर पे रखने जा रहा हूँ। अगर आप देखो तो इधर ले जा रख के मैं वीडियो को रोल करने जा रहा हूँ अभी। सो लुक, आई एम गोना रोल। सी, ये अपनी जगह से हट रहा है, तो मैं इसको पूरा उधर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये है नहीं रहा। तो जी हाइपरलैप्स मैंने ले ली हैं, वीडियो बना के मैंने रिकॉर्ड करके लंबी वीडियो रिकॉर्ड की है, और उसमें मैंने हाइपरलैप्स के तौर पे उसको रोल किया था। बट आप पिक्चर्स भी ले सकते हो, और मैं इस पर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाइपरलैप्स प्रॉपरली लेते कैसे हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो अभी मैं जाऊँगा वापस और जाके इसको एडिट करूँगा। सबसे पहले हमें कैपकट ऐप को खोलना होगा, उसके बाद आपको उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उस न्यू प्रोजेक्ट में आपने उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिसे आपने स्टेबलाइज करना है। उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है। जब वीडियो हाईलाइट हो जाए तो उसमें नीचे ये जो मेन्यूज हैं इनमें स्क्रॉल डाउन करके स्टेबलाइज का ऑप्शन आएगा, तो उस पर मैक्सिमम वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आपने कर देना, एंड देन इट विल स्टेबलाइज योर फुटेज। थैंक यू सो मच।